नमस्कार दोस्तों, यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है ड्यू डेट तक, या फिर रिटर्न फाइल कर दी थी लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, तो आप ड्यू डेट के बाद भी अब अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या होगी अपडेटेड आईटीआर, इसे कौन व्यक्ति फाइल कर सकते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और कौन से टैक्स पेयर इसे फाइल नहीं कर पाएंगे, कितना आपको टैक्स देना होगा यदि आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, इसे भी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कितनी लेट फीस आपको देनी होगी और की पॉइंट क्या है अपडेटेड आईटीआर के। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इस सभी प्रोविज़न अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, आज की डेट में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जा सकती है असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक, लेकिन यदि कंपनी है या फिर टैक्स पेयर का ऑडिट होना है तो उस केस में वो असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है, और यदि उसे रिपोर्ट देनी होती है सेक्शन 92E के अंतर्गत तो असेसमेंट ईयर के 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है। लेकिन यदि एसएससी इन डेट तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है या फिर उसने आईटीआर फाइल कर दी है उसमें कोई गलती हो गई थी, तो अब वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएगा। दोस्तों, यदि व्यक्ति इन ड्यू डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करता है, जिसे कि हम ओरिजिनल आईटीआर की ड्यू डेट कहते हैं, तो उस केस में वो बिलेटेड आईटीआर फाइल करता है, यानी कि ड्यू डेट के बाद, लेकिन इसके लिए भी टाइम लिमिट दी हुई थी, यानी कि असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से 3 महीने पहले ही वो आईटीआर फाइल कर सकता था। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 की बिलेटेड आईटीआर वो 31 दिसंबर 2022 तक ही फाइल कर सकता था। तो यदि टैक्स पेयर बिलेटेड आईटीआर भी नहीं फाइल कर पाया है यानी कि ड्यू डेट के बाद, उस केस में भी वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएगा। दोस्तों, आज के टाइम में रिटर्न को रिवाइज भी किया जा सकता है, यानी कि टैक्स पेयर ने जो रिटर्न फाइल की थी ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट के बाद, यानी कि बिलेटेड आईटीआर, उसे रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी टाइम लिमिट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से 3 महीने पहले का ही था, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर रिवाइज की जा सकती है 31 दिसंबर 2022 तक ही। तो यदि व्यक्ति इस डेट तक अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं कर पाया है तो उस केस में भी वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएगा। दोस्तों, अपडेटेड आईटीआर क्या होती है? इस प्रकार, यदि टैक्स पेयर ओरिजिनल आईटीआर बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है, या फिर उसने आईटीआर तो फाइल कर दी थी लेकिन उसमें कोई गलती हो गई थी और वो रिवाइज्ड आईटीआर नहीं कर पाया है, तो उस केस में वो अपने आईटीआर को अपडेट कर पाएगा, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएगा। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2022 में अपडेटेड आईटीआर की प्रोविज़न डाली गई है 1 अप्रैल 2022 से। अपडेटेड आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं 24 मंथ्स के अंदर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। इस प्रकार आप असेसमेंट ईयर 2021 और 2021-22 की आईटीआर फाइल कर पाएंगे विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। दोस्तों, अपडेटेड आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट है 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इस प्रकार आप असेसमेंट ईयर 2021 की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे 31 मार्च 2023 तक, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 31 मार्च 2024 तक, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2025 तक, एंड सो ऑन। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि अपडेटेड आईटीआर कौन फाइल कर सकता है। दोस्तों, अपडेटेड आईटीआर कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, भले ही उसने पहले आईटीआर फाइल की हो या फिर ना की हो। इस प्रकार व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके अलावा ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन जैसे कि रिसर्च एसोसिएशन, म्यूचुअल फंड जो कि सेक्शन 10 में रेफर्ड है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सभी भी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, कौन से ऐसे केस हैं जबकि अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं की जा सकती? यदि टैक्स पेयर ने पहले कभी आईटीआर फाइल नहीं की है तो उस केस में वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है, लेकिन अपडेटेड आईटीआर में इसका कोई लॉस नहीं होना चाहिए और उसका कोई रिफंड भी नहीं बनना चाहिए। यदि उसने पहले आईटीआर फाइल की थी, भले ही ओरिजिनल फाइल की थी या ड्यू डेट के बाद फाइल की थी या रिवाइज आईटीआर फाइल की थी, तो वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है, लेकिन जो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहा है उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी पहले आई थी उससे कम टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसका रिफंड जो है वो बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा पहले आईटीआर फाइल की गई थी और उसमें उसने टोटल इनकम दिखाई थी 110 लाख,
40 लाख का लॉस और केस थ्री में 100 लाख का लॉस। अब वो एडिशनल इनकम दिखा रहा है 50 लाख रुपीस की, इस प्रकार जो रिवाइज टोटल इनकम होगी वो 160 लाख, 10 लाख और 50 लाख का लॉस होगा। तो इस केस में केस वन में जो है टैक्स लाइबिलिटी व्यक्ति की बन रही है अपडेटेड आईटीआर में, इसलिए वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। केस टू में भी उसकी टैक्स पेबल बन रहा है अपडेटेड आईटीआर में, तो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। लेकिन केस थ्री में वो अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका लॉस बन रहा है। हालांकि उसने इनकम डिस्क्लोज की है, लेकिन उस डिस्क्लोजर के बाद भी उसका लॉस बन रहा है, इसलिए अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा। और दूसरा केस देख लेते हैं जहाँ पे कि उसने आईटीआर फाइल नहीं की थी। तो मान लीजिए उसका लॉस था और वो यदि आईटीआर फाइल करता है 50 लाख डिस्क्लोज करता है, तो नेट 10 लाख रुपीस का उसका रिवाइज टोटल इनकम आ जाएगी, तो इस पे टैक्स बन रहा है, तो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर पाएगा। लेकिन केस फोर में भी लॉस बन रहा है एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करने के बाद भी, तो इस केस में वो अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति ने ओरिजिनल रिटर्न जो वो लॉस की फाइल की थी और ड्यू डेट तक फाइल कर दी थी, तो उस केस में वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है यदि वो अपडेटेड रिटर्न में पॉजिटिव इनकम दिखाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को लॉस हुआ था या अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन था या फिर जो टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किया गया था 115JAA या 115JD के अंतर्गत, वो रिड्यूस होगा क्योंकि व्यक्ति अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रहा है, तो उस केस में भी वो अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपडेटेड आईटीआर फाइल करेगा तो उसे कितना टैक्स पे करना होगा। दोस्तों इस केस में टैक्स की कंपटीशन नॉर्मल होंगी, जैसे कि हम इनकम टैक्स रिटर्न की टैक्स कंपटीशन करते हैं, यानी कि जो टैक्स पेबल होगा उसमें से आप TDS लेस कर सकते हैं, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एक्स्ट्रा जो आपने पे किया है। उसके बाद जो टैक्स पेबल होगा उसे आपको इंक्रीज करना होगा, यानी कि 25% से। यदि आप 12 मंथ्स के अंदर अपडेटेड आईटीआर फाइल कर देते हैं रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद, लेकिन यदि आप 12 मंथ्स के अंदर फाइल नहीं करते हैं और 24 मंथ्स के अंदर फाइल करते हैं रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, तो उस केस में आपको 50% जो टैक्स है वो इंक्रीज करना होगा। और जो टैक्स होगा वो आपको आईटीआर को फाइल करने से पहले जो पे करना होगा, अदरवाइज आपकी जो अपडेटेड आईटीआर होगी वो इनवैलिड मान ली जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर को द्वारा विद इन 12 मंथ्स अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दी जाती है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। मान लीजिए 5 लाख का उसका टैक्स पेबल बनता है, इस पर वो इंटरेस्ट ऐड करेगा, टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। इसी प्रकार यदि वो 12 मंथ्स के बाद फाइल करेगा लेकिन 24 मंथ्स के अंदर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद, तो उस केस में अपना टैक्स निकालेगा और उस पर जो उसका इंटरेस्ट होगा वो उसे ऐड करना होगा। दोस्तों अब इसमें से जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा या एडवांस टैक्स या TDS एक्स्ट्रा वो लेस हो जाएगा, तो उसके बाद जो बैलेंस टैक्स आएगा टोटल टैक्स में से TDS एक्स्ट्रा एडजस्ट करने के बाद, तो वो नेट टैक्स पेबल होगा। इसके ऊपर 25% जो है वो एडिशन किया जाएगा, एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा यदि आप विद इन 12 मंथ्स आईटीआर फाइल कर देते हैं रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म हो जाने के बाद। लेकिन यदि आप 12 मंथ्स के बाद फाइल करेंगे 24 मंथ्स के अंदर, तो जो टैक्स पेबल होगा उसका 50% अमाउंट आपको एडिशन करना होगा और उसके बाद टोटल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा। ऐसे कौन से केस होंगे जहाँ पे कि टैक्स पेयर अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा? नीचे दिए गए केसेस में टैक्स पेयर अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकता यदि सर्च की गई है सेक्शन 132 के अंतर्गत या रिक्विजिशन की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट या एसेट 132A के अंतर्गत, सर्वे किया गया है 133A के अंतर्गत इनकम टैक्स में, या नोटिस इशू किया गया 153C सेक्शन के अंतर्गत, या कोई सर्च की गई है सेक्शन 132 के अंतर्गत प्रायर टू 1 अप्रैल 2021, या नोटिस सेक्शन 148 के अंतर्गत इशू किया गया है ऑनर आफ्टर 1 अप्रैल 2021, सर्च की गई है सेक्शन 132 के अंतर्गत, या टैक्स पेयर ने पहले ही अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दी है तो उसे रिवाइज नहीं कर सकता है, या फिर टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग असेसमेंट की पेंडिंग है या फिर कंप्लीट कर ली गई है सेक्शन 143, 147, 263 के अंतर्गत, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहले ही इंफॉर्मेशन है कि व्यक्ति की इनकम जो टैक्सेबल है स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स 2015 के अंतर्गत, और ये इंफॉर्मेशन पहले ही शेयर की जा चुकी है टैक्स पेयर से,
या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है अंडर सेक्शन 90 90A और ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी गई है टैक्स पेयर को इससे पहले कि अपडेटेड ITR फाइल करें, या फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई है टैक्स पेयर के केस में, या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ये व्यक्ति अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकते। यदि किसी टैक्स पेयर की असेसमेंट पेंडिंग है तो क्या अपडेटेड ITR फाइल की जा सकती है? दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ नोटिस ही इशू हुआ है सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत तो उस केस में अपडेटेड ITR फाइल की जा सकती है भले उसने पहले ITR फाइल नहीं की थी। लेकिन यदि इनकम टैक्स में नोटिस सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत इशू हो चुका है तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर की असेसमेंट पेंडिंग है, और यदि असेसमेंट पेंडिंग होती है तो व्यक्ति उस साल की अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अपडेटेड ITR फाइल करेगा ड्यू डेट के बाद तो क्या उसे लेट फीस भी पे करनी होगी? दोस्तों, इस केस में डिपेंड करेगा यदि व्यक्ति ने पहले ही ITR फाइल कर दी थी ड्यू डेट से पहले और अब वो अपडेटेड ITR फाइल कर रहा है तो उस केस में उसे कोई लेट फीस नहीं पे करनी होगी। लेकिन यदि उसने पहले ITR फाइल नहीं की थी और अब वो ITR फाइल करेगा तो उस केस में उसे 5000 की लेट फीस पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर ने ओरिजिनल ITR फाइल कर दी थी लेकिन उसमें जो मिस्टेक थी वो बोनाफाइड नहीं थी तो क्या अपडेटेड ITR फाइल की जा सकती है? जी हाँ फ्रेंड्स, अपडेटेड ITR फाइल की जा सकती है भले ही ओरिजिनल ITR में आपने जो मिस्टेक की थी वो बोनाफाइड नहीं थी। क्या अपडेटेड ITR को रिवाइज़ किया जा सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, यदि आप एक बार ITR फाइल कर देंगे अपडेटेड ITR तो आप उसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न है कि यदि कोई व्यक्ति ITR फाइल करने के लिए लायबल है और ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं करता है तो उस केस में प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। अपडेटेड ITR तो ड्यू डेट के बाद ही फाइल होती है तो क्या इस केस में प्रोसिक्यूशन होगा? जी नहीं फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपडेटेड ITR फाइल कर देता है तो उस केस में उसका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा भले ही वो ये ITR ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों, अपडेटेड ITR का मकसद ये है कि टैक्स पेयर अपने आप टैक्स की कंप्लायंस करे और इनकम टैक्स का लिटिगेशन रिड्यूस किया जा सके। इस प्रकार टैक्स पेयर अपडेटेड ITR फाइल कर सकता है भले ही उसने पहले कभी ITR फाइल ही ना की हो, वो 24 मंथ्स के अंदर ITR फाइल कर सकता है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Sabir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।